वाई यू डू फैमिली, आप और सब लोगों को मेरा नमस्कार। जो जो अभी मुझे देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार, एंड सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, कि मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आपको थैंक यू बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच। तो चलिए आप टॉपिक पे आते हैं कि आज का वीडियो आपको थंबनेल और हमारा टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है कि हम कम बजट में साड़ियों को कैसे मतलब बना सकते हैं। मतलब यह कभी कभी होता है कि हम कभी परचेज करने साड़ियाँ जाते हैं मार्केट में, बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं कि बहुत सुंदर साड़ी होती है और डिजाइनर साड़ी होती है, उनको देख के लगता है कि हाँ ये साड़ी मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन वही कभी कभी बजट का प्रॉब्लम हो जाता है ना, कि बजट हर इंसान के सामने प्रॉब्लम होता है, एक के नहीं, हर इंसान के सामने, मेरे सामने भी होता है, आपके सामने भी होता है, बजट से रिलेटेड कभी कभी होता है ऐसा, तो हम नहीं ले पाते। तो क्यों ना हम कम बजट में एक डिजाइनर साड़ियाँ बना सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और चीज़ों को दो चार दुकानों पर जाकर देखिए उन पर। तो हमारा आज का टॉपिक जो है आपको मैंने बताई थी, आपने देख लिया। तो चलिए मैं अपने वीडियो में स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कैसे साड़ियों को और डिज़ाइन किया हो, मैंने अपनी साड़ी को कम बजट में कैसे डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट साड़ी दिखा देती हूँ। ये कुछ रेडियम कलर की है, ये इटालियन सिल्क टाइप का कुछ फैब्रिक है। ये बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, प्लेन साड़ी में कपड़ा था, और ये 6.5 मीटर फैब्रिक था, और इसमें से मैंने एक मीटर कुछ डेढ़ मीटर कपड़ा निकाला था, जिससे मैंने एक सूट बन पाया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी है, और अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करिए जाके, और चेकआउट करिए हमारा वो वीडियो। तो ये वो सिंपल सा एक फैब्रिक था, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था। और ये मुझे बहुत टाइम पहले मैंने लिया था और वो रखा था, पर मैं उसका कुछ कर नहीं पा रही, तो बस मैंने इसमें बहुत कुछ नहीं किया, मैंने इसको सिर्फ सिंपल से बॉर्डर के साथ बनाया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसे पूरी साड़ी में सिर्फ एक सिंपल सा ये बॉर्डर लगा दिया है, देखिए साड़ी को। तो ये सिर्फ इसका कलर बहुत प्यारा था, और ये इसका कपड़ा भी बहुत बहुत अच्छा है, इसको शाइन करता है। और इसके साथ मैं कंट्रास्ट में या तो पिंक ब्लाउज पहनती हूँ, या फिर मैं इसके साथ गोल्डन भी कभी कभी पेयर करती हूँ, और सबसे अच्छा तो मुझे इसके साथ ब्लू अच्छा लगता है, तो ब्लू ब्लाउज मेरे पास अभी है तो, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं है, तो मैं जल्दी इसके लिए ब्लू ब्लाउज बनाऊंगी और उसके साथ मैं पहनूंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक कितना अमेज़ आता, बहुत सुंदर साड़ी लगती है, और कहीं भी आप इसको छोटे मोटे पार्टी में पहन सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा आप फैब्रिक खरीद लीजिए, आपके पसंद का फैब्रिक खरीद लीजिए, और उसमें ये सिंपल सी, ये बहुत ही सस्ते रेट में मार्केट में मिल जाती है। अगर आप विजिट करते होंगे मार्केट पे, अगर किसी भी ड्रेस मटेरियल शॉप पे, तो आपको ये अंडर 9 मीटर 10 मीटर अगर इस टाइप से लेंगे तो आपको भाई 150 रुपये में पड़ जाए, 150-200 रुपये में मिल जाती है, और आप इस तरीके से साड़ी बना सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगती है साड़ियाँ, आप सिंपल कहीं भी पहन सकते हैं इसको। तो मैंने ये साड़ी अभी एक बार पहनी है, तो मैं इसको थंबनेल पे लगा दी, देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका, है ना। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसे साड़ी डिज़ाइंस कर सकते हैं, और बहुत ही सस्ते रेट में, आई थिंक आपको ये साड़ी 500 या 600 के तक मतलब बजट में पड़ जाएगी, और आपको ये बहुत 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 सुंदर लगेगी पहनने के बाद। आप इसको चाहें तो बहुत एकदम रिच टाइप का लगता है, आप सिंपल जितनी सोबर सिंपल साड़ियाँ होती हैं वो रिच टाइप की लगती है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ओपन प्रिंट में पहन सकते हैं, या फिर आपको इसको लेस के साथ भी पहन सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरी फर्स्ट साड़ी थी, बहुत ही लो बजट में बनी हुई है, और मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत पसंद ये साड़ी है। अब मैं आपको अपनी दूसरी साड़ी दिखाती हूँ, जो मैंने अभी लेटेस्ट रिसेंटली, मेरे पास ब्लैक कलर की कोई भी साड़ी नहीं थी, मुझे बहुत मतलब ब्लैक बहुत पसंद था, मैंने कभी ब्लैक साड़ी नहीं ली थी। मेरे पास कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि पिंक के साथ ब्लैक है, सिर्फ एक ही साड़ी ऐसी जो मेरे साथ ब्लैक है, वो भी थोड़ा सा उसमें ब्लैक है। तो मुझे काफ़ी टाइम से बहुत मन था कि मैं ब्लैक साड़ी लूँ, लेकिन ले नहीं पाई। फिर सडन मैं एक दिन जिस शॉप पर गई, तो वहाँ पर मुझे कुछ फैब्रिक दिक्कत जो मुझे बहुत अच्छे लगे, फिर मैं सोचा क्यों ना मैं इसे एक साड़ी बना ली। तो मैं सेकंड साड़ी आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरी वो सेकंड साड़ी, ये नेट की साड़ी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका, पहले मैं आपको इसका पल्ला दिखा देती हूँ, पल्लू क्या है। तो इसका ये पल्लू है, ये नेट का पल्लू है। अभी आप में से कुछ लोग जब वीडियो देखें बोलेंगे इसको पहन के दिखा दो प्लीज़। अभी मैंने इसके साथ ब्लाउज स्टिच नहीं किया था, और पहन के दिखाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अर्जुन बहुत छोटा है, जैसे वो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे
फिर मैं आपकी सारी डिमांड पूरा करूँ। तो अभी आप ऐसे ही देख लीजिएगा ऑफिस, सो सॉरी मैं आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो ये इसका पल्लू है, आप देख रहे हैं। ये नेट का फैब्रिक मैंने लिया था, ये मुझे 200 रुपये मीटर मिल गया था। आपके आप क्या रेट है ये आपका? हो सकता है अलग भी हो सकता है, इससे कुछ भी कम भी हो सकता है, इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है इसका रेट। मुझे यहाँ पे मेरे लोकल मार्केट में मुझे 200 रुपये का ये फैब्रिक मिला था, 200 रुपये मीटर मिला था, और इसमें मैंने ये पल्लू 2.5 मीटर का किया है। इसके बाद ये पूरा पल्लू है, देखिए बहुत सुंदर इसका लुक आता, बहुत सुंदर। मैंने ऐसे नॉर्मल इसमें जब पहन के देखा था तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसके बाद ये जब इसके किनारे होते बिल्कुल प्लेन होते हैं, वो पतले होते हैं, तो इनको बॉर्डर करने के लिए मैंने इसमें बॉर्डर लगाने की कोशिश की, पर मुझे वो एक बार मैंने लगाया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। लैस जो लगाते हैं मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा कुछ ना डिफरेंस करते हैं, तो फिर मैंने 1 मीटर ये फैब्रिक खरीदा था वेलवेट का। फिर इसने मैं इस तरीके से मैंने इसमें चौड़ा सा बॉर्डर क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। और मैंने पूरी साड़ी में नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको पल्लू में चारों तरफ लगाया हुआ है इस तरीके से। और इसके बाद बाकी इसके जो नीचे प्लेट प्लेट्स एरिया होता है, मैं उसके बाद वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। प्लेटें हैं वो इस तरीके से हैं, उसका फैब्रिक ये है नेट, ये नेट का फैब्रिक है, ये गोल्डन और उसका मिक्स है, लाइनिंग है इसमें, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लाइनिंग है। और ये कपड़ा मुझे एक बार में देख के पसंद आ गया, मैं कुछ और लेने गई थी। ये इसमें आपको स्वीकिंस टाइप का लग रहा है, पर ये स्वीकिंस नहीं है, ये नॉर्मल कपड़ा इस टाइप से है। पास से देखिए आप इसको, और इस टाइप से पूरे में लाइनिंग है। तो ये भी बहुत अच्छा फैब्रिक लगा मुझे, तो मैंने सडन ले लिया कि चलो मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक साड़ी बना लेती, जो बहुत ही सुंदर साड़ी बन गई। इतना तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतनी सुंदर साड़ी बन जाएगी। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस टाइप से इन कपड़ों में इस टाइप से एक किनारा होता है जो कि बहुत मतलब जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे की कभी बिछियों में फंसता है, कभी कुछ होता है, तो मैंने इसके लिए फिर मैंने, क्योंकि प्लेन अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा सा फॉल होना चाहिए साड़ियों में नीचे, जिससे कि जो प्लेट्स बनाया फिर वो अच्छी लगती हैं। तो इसके बाद मैंने इस तरीके से प्लेट्स के लिए लिया। इसके बाद मैंने इसमें ये देखिए लेस ऐड की है, तो ये लेस मैंने स्वीकिंस की ऐड की है, मुझे स्वीकिंस बहुत पसंद है। तो ये स्टेप से मैंने इसमें ये ब्लैक दो लेस को मैंने मिक्स करके लगाया हुआ है, ये अलग लेस है, ये अलग लेस है, दोनों को मैंने मिक्स करके इस तरीके से लगा दिया, और इसका लुक बहुत सुंदर आया, बहुत सुंदर। तो ये मेरी साड़ी से पहले मैं इसको सोचती पल्लू भी बना सकती थी, देखिए कितना सुंदर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो अगर आप लोग भी अगर मार्केट जाते हैं और आपको कभी इस तरीके से कपड़े दिख जाते हैं, तो कभी कभी होता ना कि आप अगर रेगुलर जाएंगे कि शॉप पे, तो आपको आइडिया लगा रहता है कि कौन सा कपड़ा कब आया, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बचता है कपड़ा, आप लोगों के थान जब होते हैं उसमें से कभी फैब्रिक बच गया, और आप रेगुलर कस्टमर हैं तो वो अच्छे रेट पर आपको दे देते। ये रुपये ये भी फैब्रिक मुझे 150-150 रुपये मीटर मिल गया था, तो ये मैंने 3.5 मीटर लिया है, तो इससे साड़ी थोड़ी सी बड़ी है। मैं पहले सोचा ला उसमें से साड़ी निकाल के सब ब्लाउज बना लूँ, पर मैं इसका कंट्रास्ट पीच कलर का ब्लाउज बनाऊँगी। और बस ये मेरी सेकंड साड़ी बहुत सुंदर रेडी हुई है। तो इस तरीके से आप भी साड़ी कर सकते हैं। अब इसका भी आप लगा लीजिए कितना हुआ, 3,6,6,7,750 और 400 मान लो 1,200-1,300 रुपये में आपको ब्लाउज सेट, 1,500 रुपये में साड़ी तैयार हो जाएगी, और आपको ये मार्केट में 2,500 से कम की साड़ी नहीं मिलने वाली। और आपके मन मुताबिक भी कलर नहीं मिलते हैं, कभी कोई सा कलर पल्ले का नहीं अच्छा लगता तो उसका नहीं अच्छा लगता। तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी, ये नीचे आएगा पर मैं आपको सर पे दिखा के रख के दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आपको दूसरी अपनी तीसरी साड़ी दिखा देती हूँ, जो बहुत यूनिक है, आप लोगों को सच में बहुत पसंद आने वाली है, वो बहुत सुंदर साड़ी है। चलिए मैं आपको अपनी तीसरी साड़ी दिखा रही हूँ, मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है। मैं इसको साड़ी इतना कम पहनती हूँ, मैं किसी को देना भी पसंद नहीं करती हूँ कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और फिर भी ये साड़ी ख़राब हो गई है, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं आप लोगों को चलो शेयर कर देती हूँ। तो ये मेरी साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी, इसका जो कलर है ना, ये कलर ना कभी मिलते ही नहीं है, आप देखना कभी मार्केट में बहुत जल्दी इस टाइप के कलर नहीं मिलते हैं। तो ये मेरी साड़ी दो कलर में साड़ी, और सीफ पैन इसका फैब्रिक है, जो बोला वो वाला नहीं, तो बोलते हैं कि दो शॉप वाले की रिंग के अंदर डालो और वो पूरी साड़ी बाहर निकाल लो वो वाला फैब्रिक है। तो ये मेरी साड़ी डिज़ाइनर है, और ये भी साड़ी डिज़ाइन करवाई, और इसके लिए फैब्रिक परचेस करना किया, और इसको डाई करवाया इस कलर में, आप इसको देख सकते हैं, ये कलर है इसका, ये पल्लू आता है।
इसको मैंने ये डाई करवाया। इसके बाद जो पाइपिंग होती है वेलवेट का, इस पर पाइपिंग के टैपिंग टेपिंग टाइप की मैंने की है। और ये स्वीगन्स का फैब्रिक आप आई थिंक आप ले लीजिए, एक डेढ़ मीटर ले लीजिए, आप उसको स्ट्रिप वाइज काट लीजिए और एज ए बॉर्डर आप इस पर लगा दीजिए। और इसके बाद आप इस तरीके से इसमें वेलवेट का पाइपिंग, ये मार्केट में अवेलेबल मिल भी जाती है 10-15 रुपये मीटर, इस तरीके से पूरी साड़ी में क्रिएट कर लीजिए पूरी साड़ी में। और इसका जो कॉम्बिनेशन है इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मैजेंटा के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन। और इसका जो ब्लू ब्लाउज है मैंने एक बार शेयर किया, उसमें आपने देखा स्वीकिंस वाला मेरा फर्स्ट पार्ट ब्लाउज वाला फर्स्ट पार्ट है जो उसमें मैंने दिया है, अगर आपने नहीं देखा चेकआउट कर सकते हैं, वो इसी का ब्लाउज है। तो बस ये मतलब दो कलर की साड़ी बहुत सुंदर मेरी साड़ी है, मतलब मैं कभी इसको पहन के भी दिखाऊंगी आपको जब मुझे मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप पूरे में इस टाइप चौड़ा सा बॉर्डर क्रिएट कर लीजिए। और आप कोशिश करिए कि अच्छी शॉप पे ही मतलब आप शिफॉन का वाइट कलर का फैब्रिक ले लीजिए और जो आपकी मन मर्जी मुताबिक कलर हो, जो आपको बहुत पसंद हो, जो इजिली मार्केट में कभी कभी वो कलर तो जो हमारे माइंड में आते हैं कि ये कलर होना चाहिए पर उस टाइप से कलर हमको मार्केट में नहीं मिल जाता, कभी डार्क होता है कभी लाइट होता है, तो आप उसको डाई करवा सकते हैं। आप किसी पिक दिखा लीजिए किसी, लेकिन अच्छे डायर पास ही चाहिए जिससे कि वो कभी कभी क्या होता है ना, हम कभी सस्ते में करवा लेते हैं फिर वो कलर निकलने लगता है और साड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये गलती कभी मत करिए, अच्छे वाले डाई जहाँ डाई करते हैं कपड़े उन पर जाइएगा और ले लीजिएगा। तो ये मेरी थी थर्ड साड़ी। तो ये देखिए इसका भी लुक बहुत अमेजिंग आता है और इसकी भी अगर पिक होगी तो मैं थंबनेल पे ही लगा पाऊंगी। और देखिए अब इसका लुक आज का वीडियो मैं सिर्फ तीन ही साड़ी आपको दिखा रही हूँ, बाकी अभी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है साड़ियों के लिए भी, मैं और भी साड़ी डिज़ाइन कर रही हूँ और सीरीज़ आती रहेंगी। जैसे ब्लाउज की सीरीज पार्ट्स आते जा रहे हैं वैसे ड्रेसों के कब आएंगे, सूट्स कलेक्शन के भी पार्ट्स आएंगे और साड़ियों के भी पार्ट्स आएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय माय ब्यूटीफुल लेडीज, लव यू, गुड नाइट।